चेक दुनिया में, और आज की वीडियो में हम परफॉर्म करने वाले एक एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कि जैसे इस एक्सपेरिमेंट में जो पानी होगा, जिसमें मतलब आपका कोई जैसे पानी है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें जो पानी में आप मिला रहे वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है, या फिर मतलब आप वॉल कह लो एक वॉल है जिसमें छेद छेद है, जिसमें से किसी साइज के मॉलिक्यूल तो पास कर जाएंगे, लेकिन किसी साइज के मॉलिक्यूल इसी साइड रह जाएंगे। तो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक कहां से होता है, एक हाइयर कंसेंट्रेशन है, इधर बहुत सारे हैं, टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन जहां पर कम है। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड दिखा देता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा पानी, फिर एक बाउल ले लो आप, और फिर एक पोटैटो होना चाहिए जिसको आप ऐसे यहाँ से खोखला कह सकते हो, आप कर दोगे एक कैविटी बना दोगे पोटैटो के अंदर, और यहाँ से आप फ्लैट कर दोगे। तो ये एक पोटैटो हो गया, इधर मैंने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, और ये होगी कुछ पिंस जिससे हम लेवल को डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ये पोटैटो है, इसको बीकर के अंदर रख देना है, और अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसको आपको लेना है और इसके अंदर पोटैटो के अंदर पोर कर देना है। आप बस थोड़ा सा ही लेना, तो अब मैंने ये शुगर सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसको मैं एक पिन से ऐसे डिनोट कर दूंगा, मतलब इसका भी लेवल इतना था। अब आपको क्या करना है, ये जो बीकर है आपका, इसमें थोड़ा सा आपको पानी रख दे डाल देना है, जो पार्शियली हम पहले पानी डाल लेते हैं, हाफ बीकर जितना फुल हो जाए, और फिर अब इसमें हम हमारा पोटैटो प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया है। 2 hours later. तो ओके गाइस, अभी मुझे 2 hours के करीब हो गया है, और आप देखोगे कि जो पानी है बीकर में वो कम हो गया है, और ये आलू में जो हमने कैविटी बनाई थी उसमें पानी बहुत अच्छा से राइज हो गया है। और इधर आप मैंने एक और पिन लगा दी है जो अब हमारा अब फाइनल लेवल है। तो ऐसे हम ऑस्मोसिस देख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जो बीकर में वाटर था वो उसमें वाटर की मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाई कंसेंट्रेशन थी, और जो पोटैटो में कैविटी थी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की लो कंसेंट्रेशन थी। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चला गया, क्योंकि पोटैटो की जो मेम्ब्रेन थी, जो आउटर मेम्ब्रेन थी, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। तो ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑस्मोसिस पोटैटो में। तो होप करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे चैनल की सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।